हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो फाइनली जिस मूवी का इंतजार फैंस इतने टाइम से कर रहे थे वो मूवी रिलीज हो चुकी है, जिस मूवी का नाम है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब एमसीयू ने हमें फर्स्ट टाइम अगर इंट्रोड्यूस कराया था ब्लैक पैंथर से तो वो मूवी थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। जब उनका कैरेक्टर हमारे सामने आया तो उस ब्लैक पैंथर की सुपर पावर के और सर चैडविक बॉसमैन की एक्टिंग के सब फैन हो गए थे और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था ब्लैक पैंथर 1 जो फर्स्ट पार्ट आया था उस मूवी को। तो अब 2020 में उनके अचानक कैंसर से निधन हो जाने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल था कि ब्लैक पैंथर का रोल कौन करने वाला है। और फिल्म मेकर्स ने ये इंटरव्यू में बता दिया था कि हम सर चैडविक बॉसमैन की जगह किसी और हीरो को नहीं लेंगे, क्योंकि ये रोल ऐसा है जो उनके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। और उनके ये फैसले का पूरी ऑडियंस ने और यहाँ तक कि मार्वल स्टूडियो ने भी बहुत स्वागत किया था। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देखने के बाद ये चीज़ साफ हो जाती है कि चैडविक बॉसमैन और उनका जो रोल है इसमें वकांडा के किंग ताचाला नाम का, उनको इससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं मिल सकता है। उनको बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट दिया गया है इस मूवी के जरिए। अब फिल्म की कहानी रियल लाइफ से ही शुरू होती है कि जैसे ब्लैक पैंथर ताचाला अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब सवाल ये है कि वकांडा का किंग अब कौन बनेगा, अगला ब्लैक पैंथर कौन होगा। और इस सवाल का जवाब आपको इस फिल्म में मिलेगा। ब्लैक पैंथर मूवी का भले ही ये सेकेंड पार्ट हो, लेकिन ये अपनी कहानी की यूनिक रिचुएशन की वजह से ये एक ओरिजिन स्टोरी की तरह काम करती है। कहानी है ताचाला के जाने के बाद वकांडा में अब कोई ब्लैक पैंथर नहीं है और ताचाला ने वकांडा के रास्ते सारे देशों के लिए खोल दिए थे ताकि दूसरे देशों को वकांडा अपनी टेक्नोलॉजी सिखा सके और सभी देश तरक्की कर सकें। पर दूसरे देशों का मकसद कुछ नया करना नहीं बल्कि तबाह करने का था। और दूसरी तरफ वकांडा ने अपने राजा को अभी अभी खोया है जिससे वो कमज़ोर भी है। पर कुछ लोग वाइब्रेनियम की तलाश में समुद्र के नीचे बसे तालकॉन किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तालकॉन के किंग नेमोर को ये लगता है कि वकांडा ने दूसरी दुनिया के लिए दरवाजा खोला था तो उन पर खतरा आ गया है। और इसके लिए नेमोर सिर्फ वकांडा को जिम्मेदार मानता है। जहां वकांडा को सारे देशों से कोई डर नहीं है, मगर नेमोर एक खतरा है। वो एक खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरो है। तो अब वकांडा, जिनका किंग अब नहीं है और दूसरे देशों से लड़ना भी है, और सबसे बड़ा खतरा उनके लिए नेमोर है, और उनका अगला ब्लैक पैंथर कौन होगा और वकांडा इन सब मुश्किलों से कैसे बाहर आएगा, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस मूवी ने हमें एक सुपर हीरो से भी इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम है रीरी विलियम्सन, जो कि एक आयरन हार्ट के सूट में दिखेंगी। बात करें फिल्म के डायरेक्टर की यानी रायन कुगलर की, तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन दिया है। खास तौर पे मूवी लिखी जा चुकी थी, फिर आपके लीड हीरो का चले जाना, फिर पूरी कहानी को नए तरीके से बनाना और साथ ही साथ फैंस के सेंटीमेंट को ध्यान में रखकर मूवी बनाना, ये आसान नहीं था। इतने प्रेशर होने के बाद उन्होंने ये एक शानदार मूवी बनाई है हम फैंस के लिए। और साथ में नेमोर जैसे करेक्टर को स्क्रीन पे दमदार तरीके से दिखाना, ये मार्वल्स के सबसे पावरफुल किरदारों में से एक है। नेमोर की एंट्री बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म में एक ऐसा विलन है जिसकी सोच और पावर दोनों बहुत ही खतरनाक है। बात करें फिल्म के सिनेमाटोग्राफी की, तो वो तो बहुत ही कमाल का था। साथ ही साथ उसमें VFX, स्क्रीन प्ले और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन, वो सब तो बहुत ही कमाल का था। खासतौर पर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और जो एक्शन थे वो तो एक नेक्स्ट ही लेवल के थे। वो बहुत मज़ा आया फिल्म में देख करके। बात करें एक्टिंग की, तो सबने बहुत कमाल की एक्टिंग की है, चाहे वो फिजिकल सेंटिमेंट हो, चेहरे का एक्सप्रेशन हो या बॉडी लैंग्वेज। सूरी और नेमार के साथ उनकी जो कन्वर्सेशन है वो तो बहुत ही दमदार के साथ दिखाया है और वो एक गजब मूवमेंट भी लगता है इस फिल्म में। बस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी है, पर वो होनी भी चाहिए थी क्योंकि सर चैडविक बॉसमैन के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट है। नेमोर के रूप में एक ऐसा एंटी सुपर हीरो मिला है जो मार्वल्स की आने वाली फिल्म में बहुत ही असरदार होगा। और इस वकांडा फॉरएवर मूवी के बाद मार्वल का फेज 4 भी ख़त्म हो गया है और ये मूवी मार्वल्स की 30वें नंबर की मूवी थी। अब जो मूवी मार्वल्स की आएगी वो फेज 5 की मूवी होने वाली है।
तो ये था मेरा रिव्यू वाकांडा फॉरएवर मूवी के बारे में। आपको क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।